आपको बहुत हेयर फॉल हो रहे और आपका बाल पूरा व्हाइट होने लगा। अभी उम्र भी नहीं हो, इतना जल्दी व्हाइट हेयर क्यों आया? और आपको डैंड्रफ बहुत है और आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे। इतना सारा हेयर प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सॉल्यूशन है, तो इसके लिए मैंने शैम्पू नहीं तो कुछ कंडीशनर ऐसे बताने वाले सोच रहे, नहीं होममेड हेयर ऑयल आपको बताने वाला है और सिखाने वाला है, जो यूज करने में बहुत सारा यूजेस रहेगा आपको बाल के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं श्वेता, वेलकम टू माय चैनल टू बी प्रोलिफिक व्लॉग्स। आज मेरे व्लॉग में मैं आपको कलंजी हेयर ऑयल कैसे बनाने का सिखाने वाला हूँ। ये हेयर ऑयल बहुत इजी, जो घर पे चीज मिलते हैं उससे आप लोग बना सकते हैं और यूज करने में बहुत सारा यूजेस भी रहेगा आपको बाल को। इसको कैसे बनाने को मैं आगे वाला वीडियो में आप लोग देख के सीखने का, और अभी इसको कैसे अप्लाई करने का और इसको कैसे कैसे यूज करने का वो अभी मैं बताने वाले हूँ। तो ये हेयर ऑयल आपको बनाने के बाद मिनिमम 10 डेज सनलाइट के नीचे आपको रखने का, समझा ना? 10 डेज मिनिमम आपको सन हीट में ये गर्म होना चाहिए, ओके? और नेक्स्ट इज हर 2 डेज आपको मिक्स करने का, जो भी इसके अंदर मटेरियल रहते हैं ना वो सब आपको मिक्स करके वापस उधर सन हीट में डेली आपको रखना पड़ते है। और बाद में आप लोग कभी भी यूज करते वक्त इसको फिल्टर करने का अच्छे से, और नाइट टाइम अप्लाई करने का, नहीं तो डे टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं और रख के, आपको संडे छुट्टी रहेगा, किसी को काम पे जाने वाला, घर पे रहे तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। आप लोग एक दिन पूरा दिन में अप्लाई करो और फिर हेयर वॉश करो, आप तभी देखो आपका बाल में इतना फर्क रहते है, आप कभी भी आप लोग नहीं सोच पाते है, क्लियर है? तो नेक्स्ट थिंग, इसको आपको स्कैलप्स रहते हैं उस अंदर से अच्छे से अप्लाई करने का ये ऑयल। आप लोग आपका बच्चे को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहेगा आपको, इसको 100% गारंटी मैं दे रही हूं। ये तो बहुत यूजफुल चीज है, मैं तो यूज किया है और करती भी हूं है, तो इसके लिए मैं बता रहे आपको, तो आप भी बना दो घर पे, वेरी इजी है आप लोग को, बहुत टाइम नहीं रहेगा और कुछ अलग प्रोसेस, ज्यादा प्रोसेस भी नहीं रहेगा, सिंपल वे में आप लोग अच्छे से बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, क्लियर है? आप लोग ये अप्लाई करने के बाद कौन सा भी शैम्पू आप लोग यूज करके आपको बॉल को, सॉरी आपका हेयर को वॉश कर सकते हैं। और एक डाउट आपको रहेगा, ऑयल हेयर के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और नहीं, तो ऑयल हेयर में यूज करने से आप लोग वॉश हुआ हेयर में यूज करेगा तो बहुत आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो आप लोग ये बना दो और यूज करो, और कैसे है करके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताने का है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूल जाओ। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, गो एंड सी एंड वॉच माय वीडियो, बाय। कलंजी सीड्स में हमको ओमेगा 3 रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कैलप्स को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, और इसके अंदर जो भी लिनोलिक एसिड रहते हैं उसकी वजह से हमारा हेयर ग्रे कलर रिड्यूस होने के लिए भी बहुत मदद करते हैं। और मैंने ये डीमार्ट में लिया था, आप लोग को चाहिए तो ऑनलाइन में भी मिल जाता है। तो मैं अभी इसको 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून में एक बिना विदाउट फ्राई करके हम लोग को ऐसे ही लेके पाउडर बनाने का। हाफ स्पून भी मैंने कलंजी सीड्स ले रहे, कम्प्लीटली मैंने टेबल स्पून वाइज ले रहे, सो 1.5 टेबल स्पून कलंजी लिया था, और बिना फ्राई करने का, हम लोग को जैसे हम लोग मार्केट से लेके आते वैसे हम लोग को उसको ग्राइंड करने का। तो इसके साथ साथ हम लोग हक्का मेथी भी यूज़ करते हैं, मेथी में भी हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और उसके साथ एस्ट्रोजन रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बाल
जाड़ा होता है, जो पतला हेयर रहते हैं, बहुत हेयर फॉल होते हैं, वो कंट्रोल करने में मेथी बहुत हेल्प होते हैं। और उसके साथ साथ हमारा हेयर को बहुत कूलिंग भी मिल जाता है मेथी यूज़ करने का। तो सेम रेशियो में मैं अभी ये भी ले रहे, जैसे कलौंजी हम लोग ने 1.5 टेबल स्पून ले रहे, इसी सेम मेजरमेंट हमको 1.5 टेबल स्पून ये मेथी भी लेने का। दोनों मिला के हमको अच्छे से फाइन पाउडर उससे बनाने का। देखो ऐसे हमारा पाउडर होना चाहिए। नेक्स्ट हमको एक स्टील बर्तन लेने का और उसमें जो भी हम लोग पहले पाउडर बनाया उसमें ऐड करने का। अभी मैं इसमें पैराशूट कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं। आप लोग जो भी कोकोनट ऑयल मिलेगा वो यूज़ कर सकता है। कोकोनट ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं, हमको मॉइस्चराइज करते हैं और हेयर ब्रेकेज में ये हो जाता है। तो मैं अभी उसको 250 ml ले रहे हैं। नेक्स्ट उसकी वजह से जो भी एनवायरमेंटल डैमेजेस रहते हैं, लाइक हम लोग बाहर जाते वक्त विंड की वजह से, नहीं तो स्मोक की वजह से, नहीं तो सनलाइट की वजह से हमारा हेयर बहुत ख़राब हो जाते हैं ना, तो हम लोग कोकोनट ऑयल अप्लाई करके जाते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हमारा हेयर को, स्कैल्प्स को बहुत प्रोटेक्शन देते कोकोनट ऑयल। इसके लिए ये ऑयल हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। 250 ml का कोकोनट ऑयल मैंने इसमें यूज किया था। नेक्स्ट हम लोग कैस्टर ऑयल यूज कर रहे हैं। कैस्टर ऑयल में हमको ओमेगा 6 फैटिक एसिड रहते हैं, जिसकी वजह से बाल को स्ट्रांगनेस आता है और सिल्कीनेस, स्मूथनेस भी आ जाता है। इसमें बहुत मदद करते हैं हमको कैस्टर ऑयल। इसके लिए हम लोग अभी कैस्टर ऑयल भी इसमें ऐड कर रहे हैं, वो भी 50 ml। 50 ml का मतलब 250 ml का हम लोग ने कोकोनट ऑयल लिया और उसके साथ साथ हम लोग 50 ml का कैस्टर ऑयल भी ऐड कर रहे हैं। सब इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब बहुत यूज़फुल है नेचुरल प्रोडक्ट्स से, तो इसकी वजह से हमारा बाल का ग्रोथ बहुत अच्छा से हो जाते हैं। जिसको वाइट हेयर होता है वो भी कम्प्लीटली दूर हो जाता है। हम लोग जो भी ग्रे हेयर होता है ना वो सब धीरे धीरे, आप लोग हफ्ते में 3 बार अप्लाई करने का, हमेशा हफ्ते में 3 बार आप लोग ये ऑयल अच्छे से स्कैल्प्स की वजह से अप्लाई करो, तो आपको रिजल्ट खुद आपको पता चलेगा कितना यूज़फुल रहते हैं ये ऑयल यूज़ करने में। नेक्स्ट हम लोग को इस ऑयल डायरेक्टली गर्म नहीं करने का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन में हम लोग को वाटर लेने का, पहले वो वाटर को हम लोग को अच्छे से हीट करने का। एक बार वाटर हीट होने के बाद उस हीट की वजह से उसके अंदर हम लोग ये बर्तन रखते हैं, फिर वो वाटर उबालते उबालते उसका हीट की वजह से ये बर्तन में ऑयल में भी अच्छे से उसको बॉयल होना चाहिए। तो पहले चेक करने का, अच्छे से वाटर हीट होने के बाद जो भी हम लोग ने बर्तन में सब रखा था इसको अच्छे से मिक्स करने का, फिर बाद में इसको वाटर के ऊपर रख के हम लोग को उसको बॉयल करने का। अभी उसका बॉइलिंग हो गया, अभी हमको इसको निकालने का और ग्लास कंटेनर में, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ग्लास कंटेनर में स्टोर करने का। मैंने बताया ना वो बहुत इजी वे में आप लोग बना सकते हैं और बहुत यूज़फुल रहेगा आपको हेयर के लिए, तो आप लोग
पक्का ये बनाने का है, कैसे है करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने का है। मैंने पहले भी जेल बताया, हेयर जेल बताया और हेयर लोशन भी बताया, अभी आपको हेयर ऑयल भी बताया था, तो ये भी आपको यूजफुल रहेगा सोच रहे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड कॉमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, सी यू।